actually people crying and getting attached to the song. Lot of screenshots, even our hashtag Shiptik. I was thinking वो पता क्या होगा कि प्रापरा बट लोगों ने शिप्तिक बनाया तो लोग गाने को प्यार दे रहे हैं, अच्छा लग रहा है. मतलब ट्रेंड्स कैसे बदल गए यार, हैशटैग्स बनते बने मेरा काम ही नहीं होता. बिल्कुल हैशटैग बन जाते हैं एंड या एक्चुअली पीपल आर सेंडिंग मी इमोशनल मैसेजेस वीडियोस एंड ऑल दैट यू नो कि इट्स सच एन इमोशनल सॉन्ग भाई, कितना इमोशनल है, ओ शिट व्हाट एन एंडिंग, ये क्या स्टोरी है भाई, ये वो मुझे लग रहा है यार क्रेजी है यार, मतलब क्या इतना इमोशनल हो गए लोग यार. ऑन कैमरा जब एक्शन होते ही वो केमिस्ट्री नेचुरली आ जाती है ना, बिकॉज हमें पता है कि हमें क्या किरदार निभाना है और उसके लिए कोई ऐसा कुछ नहीं है कि यू नो हमें कि यू नो ऑकवर्डनेस बिल्कुल नहीं होती, तो वो एक अच्छी चीज़ है कि हमारे बीच में एक अच्छी केमिस्ट्री थी शुरू से. इट्स अ ट्रू स्टोरी. जो जो गाने का मेन क्लाइमैक्स है वो एक असली कहानी है थाईलैंड की, तो हमें कोई ऑर्डिनरी कहानी नहीं चाहिए थी इस वीडियो के लिए. एंड देन वी वर सर्चिंग एंड सर्चिंग, तो फिर ये कहानी हमें बहुत अच्छी लगी, तो उसको हमने अपने हिसाब से सिनेमैटिकली डेवलप किया है, सीन्स बनाए हैं, बट जो बेसिक कहानी है वो असली है. एंड आई थिंक कि सब लोगों ने प्यार तो बहुत दिया है. ही हैड नो टैंट्रम्स, नो टैंट्रम्स. बताओ यार BTS मूवमेंट क्या क्या बताओ, मतलब मैं सभी BTS में हमने वीडियो निकाली पूरी यार, मस्ती करते करते बात ये है. सो इट वाज ऑल लाइक फन एंड गेम्स एंड वी शॉट द एंटायर वीडियो एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू इमोशनल मोमेंट्स. एंड जैसे ये जब ये कॉफिन में भी लेटी हुई थी लास्ट सीन में, तो अरे बार बार ढक्कन बंद करते थे और मेरा सांस घुटता था, मैंने खोलो मुझे खोलो. ये कट पे भी एक्चुअली सांस नहीं ले रही थी जब कट होने के बाद, तो मैंने बोला आप सांस ले लो कट हो गया है, तो ये ऐसी प्रैक्टिस में घुस गई थी कि सांस ले ही नहीं रही थी, मैंने बोला कट हो गया सांस ले लो. एक्चुअली इसमें हम दोनों ने बहुत सारी चीजें पहली बार किया ऑन स्क्रीन. ये थोड़ा सा फर्स्ट लव जैसा गाना है. जब मैं गाना बना रहा था मॉर्निंग में सुबह सुबह जब कुछ धुन जब उसकी बनी थी, तो मेरे दिमाग में वही ख्याल था कि पहले एक टाइम था जब जो भी सिंगल आते थे वो सारे कॉलेज स्टूडेंट के लिए आते थे, जैसे लक्की अली साहब के जितने गाने हैं या आर्यन बैंड. मेरा भी कुछ ऐसा था कि कुछ ऐसे यंग लोगों के लिए कुछ बनाए,